शहीद विश्राम टाना भगत फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। लोहरदगा जिला प्रखंड के कैरो के एडादोन खेल मैदान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला एडादोन निवासी कारगिल शहीद विश्राम टाना भगत स्मृति 3 दिवसीय फुटबॉल मैच का फाइनल मैच किंगफिशर गणेशपुर और एजे स्टाइल एने के बीच खेला गया, जिसमें किंगफिशर की टीम ने एजे स्टाइल टीम को 3 गोल से हराकर जीत अपने नाम दर्ज किया। तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः भगत ब्रदर्स और एसएस क्लब टेंडर रांची की टीम रही, जिन्हें मुख्य अतिथि एवं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह यूथ कांग्रेस के उड़ीसा प्रभारी अभिनव सिद्धार्थ और अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इससे पूर्व मुख्य अतिथि और अतिथियों द्वारा शहीद विश्राम टाना भगत के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अभिनव सिद्धार्थ ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेले, खेल में हार जीत लगी रहती है, क्षेत्र में प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही मार्गदर्शन की। खेल से आपसी प्रेम सौहार्द को बढ़ावा मिलता है तथा जीवन में संघर्ष करने की भी सीख मिलती है। मौके पर यूथ कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष गुलाम जिलानी, प्रखंड 20 सूत्री सह कांग्रेस अध्यक्ष अनिस अहमद, प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष बुधवा उरांव, पीयूष पांडे, किशोर भगत, सतीश रंजन, लच्छू उरांव, सड़ाबे मुखिया सुमित्रा उरांव, जुबेर अंसारी, मोहम्मद जाहिर अंसारी, मनोज उरांव, नारायण उरांव, आयोजन समिति के अध्यक्ष रोशन उरांव के साथ कई लोग उपस्थित थे। लोहरदगा ब्यूरो सद्दाम खान के साथ कैरो से समित अंसारी की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपके माध्यम से इस आयोजन समिति को बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे आयोजन किया और टूर्नामेंट को सफल बनाया। इस तरह के आयोजन से जो आपसी खेल भावना बढ़ती है, आपसी जो सौहार्द बढ़ता है, एक मेल मिलाप का एक मौका मिलता है और कहीं ना कहीं इन्हीं समायोजनों के चलते गांव में जो खेल की भावना है वो कहीं ना कहीं बनी रहती है, एक एकजुटता बने रहती है लोगों के बीच में कि मिल के एक टूर्नामेंट का आयोजन कराते हैं, बाहर से टीमें आती हैं, एक उत्साह का माहौल रहता है। तो मैं एक बार आपके माध्यम से सभी लोगों जो भी इस तरह का आयोजन करते हैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ कि खेल के खेल भावना को बना के रखे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि इन्हीं सब के चलते लोहरदगा जिले में और भी प्रतिभावान खिलाड़ी उभर के निकले और उम्मीद करते हैं कि जिले का ही नहीं बल्कि देश भर में दुनिया भर में लोहरदगा छोटा जिले का नाम रोशन करें। धन्यवाद।